हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी मैं अपना खेत में हूँ और आज बोझा ढोने के लिए आया हूँ धान का। तो आप देख सकते हैं कि पीछे में आपको बहुत सारा धान आपको दिख रहा है अटियाया हुआ। इस खेत का आप देख सकते हैं कि इस खेत का मैं अभी थोड़ा सा धोया हूँ। तो इस खेत को आज पूरा हमको ढोना है। जी हाँ दोस्तों, चाहे दिन भर में ये खेत को मैं पूरा कर देना हूँ। सौरभ धान अभी फाइनली ढो रहा हूँ और उधर आगे में ढो के रखा हूँ, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी उतना सारा जमा करके रखा हूँ और उधर में मेरा बाइक है और ये रहा खमार और इस खेत में सोनम धान है। तो इसको बाद में धोना है क्योंकि सौरभ और सोनम मिक्सिंग हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वाला खेत आप देख सकते हैं, ये वाला खेत अभी मैं ढो के जमा किया हूँ। ये जो आप देख रहे हैं इधर से आधा हुआ, ये वाला सारा ढोया हूँ और इसी खेत को दोस्तों पूरा हमको ढोना है अकेले। जी हाँ दोस्तों, अकेले ये चादर लाया हूँ, ये चादर इसी चादर में दोस्तों बांध के ढोऊंगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं कैसे ढोता हूँ। और दोस्तों, मैं अभी अकेला हूँ बाजार में, तो वीडियो बनाने वाला कोई है नहीं। तो दोस्तों, मैं अभी जस्ट ये अड्डा के नीचे में मोबाइल रखूँगा और बोझा बनने वाला आपको सीन दिखाता हूँ कैसे मैं बोझा बांधता हूँ चादर में और ले जाके वहाँ पे रखता हूँ। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देखिए मैं बोझा कैसे ढो रहा हूँ। दोस्तों, मैंने चादर लाया हूँ जिसे ठंडी दिन में ओढ़ने का काम आता है। आप इसे गर्मी दिन में बिछा के भी इसमें सो भी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो देखने में कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग बोझा ढोते होंगे तो आप लोग जरूर, आप लोग को पता होगा कि बोझा कैसे ढोया जाता है। तो दोस्तों, मैं चर चर अटिया का बोझा बांध रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता देते हैं 16 अटिया का एक बोझा होता है। अगर आप 32 अटिया लेंगे तो दो बोझा हो जाएगा। तो दोस्तों, क्योंकि नज़दीक में है और मैं अकेला हूँ, तो उठाने में भी ताकत लगता है। इसलिए दोस्तों, कभी 16 अटिया, कभी 20 अटिया, कभी 24 अटिया, मतलब कि उसमें बांध रहा हूँ चादर में और ला ला के दोस्तों मैं रख रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मैंने करीब 16 अटिया आप देख सकते हैं चादर में रख दिया हूँ। और दोस्तों, अभी मैं चादर से ऐसे भी थोड़ा बढ़िया से कस के बांध देता हूँ और उसके बाद दोस्तों उठा के माथा में और ला के खमार पे दोस्तों रखता हूँ। देखिए दोस्तों, फाइनली मैंने उठा लिया हूँ और उठा के यहाँ पे देखिए दोस्तों, उस दिन जो आपको दिखाए थे खमार छीले थे वहीं पे दोस्तों बोझा को देखिए दोस्तों रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और बोझा ढोने में हालत ख़राब हो जाता है, दिन दिन भर अगर बोझा ढोइएगा तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, फाइनली ये देखिए, अब की बार कभी माथा पे कभी पीछे में लाद के देखिए ला रहा हूँ, आप देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, पीछे में भी लाद के लाने में भी आसानी होता है क्योंकि नज़दीक में है तो आसानी लग रहा है। तो दोस्तों, आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमने बहुत सारा बोझा ढो दिया हूँ, आप देख सकते हैं। और कुछ आप देख सकते हैं, देखिए देखिए दोस्तों, और कुछ टाइम लगेगा उस खेत को ख़त्म करने के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम खेत की तरफ आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यह खेत ख़त्म ही होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैंने इधर में आप देख सकते हैं पूरा खेत धो दिया हूँ और कुछ आधा घंटा पौने घंटा लगेगा, उसके बाद दोस्तों ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा बचा, उसके बाद दूसरा खेत में नंबर लगाएंगे। और देखिए दोस्तों, मम्मी सब देखिए यहाँ पे धान अटिया रही है, आप देख सकते हैं इधर में और भी मम्मी सब है और गांव का भी एक दो गो है, सभी मिल के देखिए दोस्तों धान अटिया रही है, आप देख सकते हैं उधर में भी बहुत सारे लोग। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यही बचा हुआ है 4-5 बर्तन और इधर में आप देख सकते हैं पूरा खेत धो दिया हूँ और वहाँ पे देखिए दोस्तों जमा करके रखा हूँ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लास्ट खेप जो बचा है करीब करीब 20-25 अटिया होगा, तो दोस्तों उसी को आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए बोझा बांध रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये लास्ट खेप है, उसके बाद जो आपको खेत दिखाए थे वो वाला खेत हो जाएगा दोस्तों, जिसमें कि थोड़ा सा बचा था। तो फाइनली मैं देखिए बांध रहा हूँ, आप देख सकते हैं।
तो फाइनली सारा धान आप देख सकते हैं चादर में रख दिया हूँ और बांध दिया हूँ। अब उठाने वाला हूँ, देखिए बांध 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 रहा हूँ। देखिए किस तरह बांधते हैं, इस तरह बांधने पर दोस्तों फटाफट खुल जाता है। और सीधा पकड़ के दोस्तों सर पे उठा लो, हाँ सीधा पकड़ के सर पे उठा लो एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं। फिर बोझा जाके वहाँ पे रख दो आराम से। तो हेलो दोस्तों, फाइनली मेरा बोझा ढोया हुआ हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरा खेत, आप देख सकते हैं पूरा एकदम खाली है, ये मैंने पूरा ढो दिया हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला खेत खाली मैं कर दिया अकेले। ये देखिए दोस्तों पूरा खेत खाली है। अब वो वाला खेत में नंबर लगेगा और उसके बाद ये वाला में नंबर लगेगा। तो दोस्तों फाइनली आज का बोझा ढोया हुआ काम यहीं पे ख़त्म, क्योंकि मैंने आप देख सकते हैं कि पीछे में बहुत सारा बोझा ढो दिया और मैं अकेले ढोया हूँ, तो आज फर्स्ट दिन ढोया हूँ तो थक गया हूँ, तो यहीं पे काम समाप्त। अब नेक्स्ट दिन कल टुमारो नंबर लगाएंगे दूसरा खेत में।